हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्नवृत्त इतिमन। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नया विज्ञापन जारी हुआ है। परमानेंट सरकारी नौकरी का सैलरी यहां पर 35,000 से स्टार्टिंग है और 1.5 लाख तक सैलरी आप लोगों को मिलेगी। आवेदन 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर पद जूनियर और सीनियर ट्रांसलेटर के हैं। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये लगने वाली है। योग्यता यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट रखी गई है। ऑल स्टेट जो है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए, कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मेन वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आप लोगों को बिल्कुल यहीं पर नजर आ जाएगा। 22 अगस्त 2023 नोटिस ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर जो है एडवर्टीजमेंट आपको कंप्लीट मिलेगा। कैसे सिलेक्शन होगा सारी चीजें हम जानेंगे। नोटिस देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं 22 अगस्त और अंतिम डेट है 12 सितंबर। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी की 100 रुपये है और बाकी जो आरक्षित कैटेगरी हैं तो उनके लिए जो है छूट दी गई है। जूनियर के लिए यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपको सैलरी मिलेगी। सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है। उसके बाद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा 44,900 से 1,42,400 तक। ठीक है, तो ये जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है और डी में है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है पोस्ट, कितनी पोस्ट हैं तो ये दिखाई गई हैं। तो यहाँ अंत में हमें देखना होगा कितनी पोस्ट जारी की गई हैं। यहाँ पर कुल जो है जूनियर और सीनियर की कुल 307 जो है पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पर पूरे भारत के कैंडिडेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है हिंदी और इंग्लिश में। एज लिमिट यहाँ पर क्या रखी गई है, तो 18 से 30 साल जो है यहाँ एज लिमिट रखी गई है। कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा भी जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हैं उनको भी छूट दी गई है। ठीक है, 3 साल छूट दी गई है और एससी एसटी में है तो 8 साल की छूट दी गई है। अभी जो भी ये पोस्ट हैं इनकी क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, कोड ए बी और सी। तो यहाँ पर देखिए, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट कोर्स ए टू सी। मास्टर डिग्री जो है यहाँ पर मांगी गई है हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो यहाँ पर जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो चाहिए यहाँ पर हिंदी में विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कई हैं और इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कंफ्यूज जो है वो आप यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एमए जो है वो आप लोगों ने हिंदी में की हो और इसके साथ में आपका जो मीडियम रहा है पेपर का वो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर इंग्लिश आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा है कि एमए जो है अगर आपने इंग्लिश में की है तो पेपर का जो आपका माध्यम रहा हो वो हिंदी में, और आपने या फिर आपने हिंदी जो है एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। तीसरा ऑप्शन और भी है यहाँ पर कि हिंदी है अगर आपने एमए किया है हिंदी में या इंग्लिश में आपने किया है, तो यहाँ पर आपका जो है हिंदी मीडियम जो है हिंदी में किया है तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंग्लिश में किया है तो माध्यम जो है हिंदी में होना चाहिए। और भी जो है यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन को और भी अच्छे से जो है वो पढ़िएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसएससी की। ठीक है, लास्ट डेट जो है यहाँ पर 12 सितंबर रखी गई है। फीस यहाँ पर 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, तो इनको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है फीस में।
अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देखें तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है चीज़। पेपर वन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा यहाँ पर। हिंदी और इंग्लिश आपके 100-100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय। पेपर टू आपका जो है यहाँ पर जो है विस्तार में पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। ट्रांसलेशन एंड एसे आएगा आपका, 200 मार्क्स का आएगा, 2 घंटे 40 मिनट का समय है, ठीक है। पेपर वन ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ पर जो है कहा है कि 0.25 मार्क्स जो है ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर वन। पेपर वन में जो है आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कटेंगे यदि आपने गलत आंसर दिया। तो ये जो है 59 पेजों की पीडीएफ फाइल है। तो जितनी मेन चीजें जो कि मैंने हाईलाइट की हैं, जो कि आपके जानने के लिए जरूरी हैं यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, और अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो उससे पहले आप ये कंप्लीट 59 पेजेस का जो है वो बिल्कुल पढ़ेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन आप लोगों को करना है। तो सारी जो है वो मेन चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। एप्लीकेशन करने के लिए इसकी मेन वेबसाइट पर आप लोगों को पहले तो नोटिफिकेशन को, इसको 22 अगस्त का जो है इसे आप पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो दिए गए हैं आप लोगों के लिए, जो जहां के लिए आप एग्जाम सेंटर, जिस भी एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसी की जो मेन वेबसाइट है इस पर आप जाएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी है, परमानेंट जॉब है, आप लोगों को बिल्कुल आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसी जो वैकेंसी होती है जहां पर आप लोगों को बिल्कुल केवल इसी पर फोकस करना चाहिए, ऐसी वैकेंसी के लिए मैं खुद ही जो है वो आप लोगों को राय देती हूँ, पर्सनल राय ये देती हूँ कि आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी में अगर लगेंगे और यहाँ सैलरी जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है, तो आपकी पूरी लाइफ जो है वो सेटल हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।